Hello students, I am going to continue with the chapter integration of 12th standard. Exercise 3.2b, question number 2, example number 5. So the example is I is equals to integration of 1 upon 3 minus 2 cos 2x dx. Now see, this is the example of 2x. In previous examples we see about the examples of x. So now here is cos 2x. So we have to use the substitutions which you learn already. So see, whenever you see the 2x type of examples, you have to put tan x is equals to t. After that, x is equals to tan inverse of t. Then after differentiating, we get that is dx is equals to 1 upon 1 plus t square dt. And for sine 2x, you know the formula in terms of tan. So here we get that is sine 2x is equals to 2t upon 1 plus t square. यहाँ पे tan x जो है, हमने tan x के लिए t consider किया है. तो यहाँ पे tan x हटा के हम t यहाँ पे ले रहे हैं. एंड फॉर cos 2x वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, दैट इज 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर. सो दिस फॉर्मूला वी गोइंग टू यूज इन दिस एग्जाम्पल. एंड सी द एग्जाम्पल अगेन, दैट इज 3 माइनस 2 cos 2x. तो tan x के लिए मैंने t पुट डाउन किया. सो tan x का जो डेरिवेटिव, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt. So dx is equals to dt upon 1 plus t square. So cos 2x is equals to 1 minus t square upon 1 plus t square. So I is equals to integration of 1 upon 3 minus 2 in bracket 1 minus t square upon 1 plus t square. So ये जो formula है cos 2x का, तो ये मैंने यहाँ से लिया है 1 minus t square. तो and into ये जो dx है, dx के बदले हम लिखने वाले हैं, that is dt upon 1 plus t square. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज. सो दिस टू ब्रैकेट्स विल गेट कैंसल एंड वी गेट दैट इज 1 अपॉन, जस्ट मल्टीप्लाई द ब्रैकेट बाय 3. सो 3 प्लस 3 टी स्क्वायर माइनस 2 एंड माइनस माइनस प्लस 2 टी स्क्वायर. नेक्स्ट आई अपॉन 1 अपॉन I is equals to 1 upon, so see 3 plus 2, so we get here 5 t square and 3 minus 2, that is 1 dt. Now we take this 5 outside the bracket, outside this integration sign, that is I am taking 5 as a common. So 1 upon t square plus 1 upon 5 dt. So 1 upon 5 integration of 1 upon t square plus 1 upon root 5 bracket square. So 1 upon 5. Now here we have to use the formula, that is 1 upon x square plus a square. So iska jo hai wo 1 upon x square plus a square, that is 1 upon a tan inverse x upon a plus c. So 1 upon a, so a kya hai yahan pe, 1 upon root 5, that is 1 upon 1 upon root 5, because ye total a hai. And tan inverse t, that is formula is x upon a. So x kya hai yahan pe, t. So t upon 1 upon root 5. तो ये जो 5 है, वी राइट इट इन टर्म्स ऑफ रूट. सो रूट 5 इंटू रूट 5 इज नथिंग बट 5. एंड ये रूट 5 न्यूमरेटर में जाएगा, सो रूट 5 इज कैंसल विद दिस 1 रूट 5 टैन इनवर्स. सो इंस्टेड ऑफ टी वी गोइंग टू राइट, यस टी हमने किसके लिए कंसिडर किया था, टैन एक्स के लिए. तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, दैट इज ये जो 1 अपॉन टी अपॉन 1 अपॉन रूट 5 है, तो रूट 5 न्यूमरेटर में आ जाएगा, सो रूट 5 टैन एक्स प्लस सी. तो 1 अपॉन रूट 5 टैन इनवर्स रूट 5 टैन एक्स प्लस सी. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5. सो इन द एग्जाम्पल, इन क्वेश्चन नंबर 2, देर आर ओनली 9 एग्जाम्पल्स, आउट ऑफ विच वी फिनिश द 5 एग्जाम्पल्स. नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 6. नाउ दिस एग्जाम्पल्स आर ऑफ 2x पैटर्न. सो हमें ये जो पैटर्न है, दैट इज पैटर्न आइडेंटिफाई करना है. अगर यहाँ पे 2x है तो हम पुट करते हैं tan x इज इक्वल टू t. एंड अगर यहाँ पे sin x है तो हम पुट करते हैं tan x बाय 2 इज इक्वल टू t. यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ एंगल हम यहाँ पे लेते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है. सो dx, दैट इज हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो dx इज इक्वल टू, एक्चुअली द स्टेप इज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt. From this we get the value, that is dx is equals to 1 upon 1 plus t square dt. यहाँ पे sin 2x है तो हम sin 2x का ही वैल्यू निकालेंगे, दैट इज
टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर, आप डायरेक्टली भी ये लिख सकते हो. आफ्टर दैट आई इज इक्वल्स टू वन अपॉन सो सी, यहाँ पे टू है तो टू हम ऐसे लिखेंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन टू एक्स, साइन टू एक्स का क्या वैल्यू है, टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर. सो टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर माइनस थ्री, दिस इज एज इट इज इन टू वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर डी टी. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन प्लस टी स्क्वेयर का हम एलसीएम ले लेंगे. सो इन ब्रैकेट दैट इज टू टू आर फोर टी एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस थ्री इंटू ब्रैकेट वन प्लस टी स्क्वेयर. सो वन प्लस टी स्क्वेयर कैंसिल विद दिस वन प्लस टी स्क्वेयर एंड इन ब्रैकेट विल गेट फोर टी माइनस थ्री एंड माइनस थ्री टी स्क्वेयर डी टी. सो आफ्टर दैट वी जस्ट रीअरेंज दिस, वी टेकिंग दिस माइनस साइन आउटसाइड. सो माइनस वन हमने कॉमन, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, तो ये माइनस थ्री टी स्क्वेयर बिकम प्लस थ्री टी स्क्वेयर, प्लस फोर्टी बिकम्स माइनस फोर्टी एंड दिस माइनस थ्री बिकम्स प्लस थ्री डी टी. आफ्टर दैट वी ऑल्सो टेकिंग दिस थ्री आउटसाइड. सो माइनस वन बाय थ्री, वन अपॉन टी स्क्वेयर माइनस फोर बाय थ्री टी प्लस वन डी टी. नाउ दिस पैटर्न इज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैटर्न. सो फ्रॉम दिस वी गोइंग टू फाइंड आउट द थर्ड टर्म फ्रॉम दिस टू टर्म्स. सो थर्ड टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी. तो हाफ कोएफिशिएंट ऑफ टी है फोर बाय थ्री, सो टू टू ज़ा फोर, सो माइनस टू बाय थ्री का स्क्वायर दैट इज फोर अपॉन नाइन. नाउ वी गोइंग टू ऐड दिस फोर अपॉन नाइन एंड सब्सट्रैक्ट द फोर अपॉन नाइन. सो माइनस वन बाय थ्री वन अपॉन टी स्क्वेयर माइनस फोर बाय थ्री टी प्लस फोर अपॉन नाइन, ये दोनों टर्म हम ऐसे ही लिखते हैं एंड फोर बाय नाइन हमने ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया ये वन एज इट इज. नाउ कंसिडरिंग दिस थ्री टर्म्स इट इज नाउ इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर. ये किसका परफेक्ट स्क्वेयर हम कैसे लिखेंगे, सो दिस माइनस वन बाय थ्री एज इट इज वन अपॉन इन ब्रैकेट टेकिंग द स्क्वेयर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म साइन ऑफ द मिडल टर्म एंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द लास्ट टर्म दैट इज टू बाय थ्री ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस. नाउ वी टेकिंग द एलसीएम ऑफ दिस वन, सो नाइन नाइन माइनस फोर दैट इज फाइव डी टी. सो माइनस वन बाय थ्री इंटीग्रेशन वन अपॉन टी माइनस टू बाय थ्री ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस, ये जो फाइव है वो हमें स्क्वेयर के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, रूट फाइव अपॉन थ्री ब्रैकेट स्क्वेयर डी टी. सो टी माइनस टू बाय थ्री ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस फाइव अपॉन नाइन, ये फाइव जो है वो हमने स्क्वेयर के फॉर्म में लिखा है दैट इज रूट फाइव अपॉन थ्री ब्रैकेट स्क्वेयर. सो माइनस वन बाय थ्री, सो हियर वी गोइंग टू यूज द फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. सो वन अपॉन ए, तो ए क्या है, रूट फाइव अपॉन थ्री, सो वन अपॉन रूट फाइव अपॉन थ्री टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए. सो एक्स टी माइनस टू बाय थ्री अपॉन ए दैट इज रूट फाइव अपॉन थ्री. नाउ वी टेकिंग दिस थ्री इन द न्यूमरेटर, सो वील गेट हियर दैट इज वन बाय थ्री इज एज इट इज माइनस वन बाय थ्री. ये जो यहाँ पे था वो मैंने ऐसा ही यहाँ पे लिखा है. सो माइनस वन बाय थ्री एज इट इज थ्री अपॉन रूट फाइव टैन इनवर्स. नाउ वी टेकिंग द एलसीएम ऑफ दिस पार्ट दैट इज इसका हम एलसीएम ले रहे हैं. एलसीएम इज थ्री, टेकिंग क्रॉस थ्री टी माइनस टू, तो यहाँ पे हमें मिला थ्री टी माइनस टू अपॉन थ्री एंड द डिनोमिनेटर इज एज इट इज दैट इज रूट फाइव अपॉन थ्री. सो थ्री थ्री विल गेट कैंसल. सो फाइनली वी गेट यहाँ पे माइनस वन अपॉन रूट फाइव टैन इनवर्स थ्री टैन एक्स. वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, टी दैट इज टैन एक्स माइनस टू अपॉन रूट फाइव प्लस सी. तो यहाँ पे ये जो है वो हमारा आंसर है. नाउ सी द सेवेंथ एग्जाम्पल. द सेवेंथ एग्जाम्पल इज ऑल्सो ऑफ द पैटर्न टू एक्स. आपको सिर्फ पैटर्न फाइंड आउट करना है. अगर आपको पैटर्न समझ में आया क्या है तो आप ये एग्जाम्पल इजिली सॉल्व कर सकते हो. मैं फिर से बताती हूँ, टू एक्स अगर यहाँ पे आता है तो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं टैन एक्स इज इक्वल टू टी एंड अगर यहाँ पे एक्स आता है तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं टैन एक्स बाय टू इज इक्वल टू टी. तो इस एग्जाम्पल में जो दिया है दैट इज वन अपॉन थ्री प्लस टू साइन टू एक्स प्लस फोर कॉस टू एक्स डी एक्स. तो हमें पुट करना है टैन एक्स इज इक्वल टू टी. सो डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर एंड जब यहाँ पे टैन एक्स बाय टू हम लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ टू आता है, अदरवाइज देर इज नो एनी चेंजेस इन दिस पैटर्न.
तो यहाँ पे x है तो 1 आएगा, और अगर x बाय 2 है तो यहाँ पे 2 आता है, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, एंड साइन 2x एंड cos 2x जो है उसके फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आते. सो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यू इन दिस एग्जाम्पल. सो 1 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट. सो द वैल्यू ऑफ साइन 2x इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 इज एज इट इज, cos 2x जो है वो है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू, वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ dx. dx इज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt. तो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर इज द LCM. सो यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू क्रॉस दैट इज 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे आएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4t प्लस, यहाँ पे वो 4 जो है वो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, 4 माइनस 4t स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. सो 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल विद दिस 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड फाइनली वी गेट दैट इज 1 अपॉन, सो मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट बाय 3, सो वी गेट 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर इंटू dt. तो यहाँ पे आएगा दैट इज माइनस 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर एंड प्लस 3t स्क्वायर. सो द फाइनल आंसर इज माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 7. तो ये एग्जांपल यहाँ पे आके हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. एक तो यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, या तो हम ये जो 7 है जो ऑलरेडी प्लस है इसको हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं. दैट इज ये एग्जांपल ऐसे भी आएगा, दैट इज 7 प्लस 4t, हमने ये पैटर्न भी सॉल्व किया है, एंड माइनस टी स्क्वायर. तो यहाँ पे आने के बाद हम अगला स्टेप कैसा करेंगे, दैट इज़ 1 अपॉन 7, यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे. तो माइनस लिया तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 4t आएगा और ये प्लस टी आएगा. सो मैं यहाँ इसे को लिखती हूँ टी स्क्वायर माइनस, दैट इज़ टी स्क्वायर माइनस 4t. और हम यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड आउट करके एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे भी हम कर सकते हैं. तो यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 7. आप ये दोनों मेथड में से कोई भी मेथड सॉल्व करेंगे लेकिन दोनों का आंसर तो अलग अलग आएगा, इसका अलग आएगा और इसका अलग आएगा. आफ्टर टेकिंग द साइन माइनस साइन कॉमन द आंसर विल मैच. तो मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकल के करें, आप ऐसे भी ये सॉल्व कर सकते हो, दोनों भी आंसर्स करेक्ट है. तो यहाँ पे जो टू टर्म्स है तो हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस 4, तो 2 2s are 4, सो 2 स्क्वायर इज 4. तो यहाँ पे मैं 4 ऐड करूँगी और सब्सट्रैक्ट भी करूँगी. नाउ ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है, सो इट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर. सो टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म दैट इज टी माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ द 4 दैट इज 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 11. आफ्टर दैट टी माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, ये भी हम रूट स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे. सो वी टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 11 ब्रैकेट स्क्वायर. तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. और आप अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है. यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ए माइनस एक्स जो है वो नीचे लिखते हैं और उसका कंजुगेट पर हम ऊपर लिखते हैं. तो वो दोनों फॉर्मूले से यूज करके हमें एग्जांपल हम सॉल्व कर सकते हैं. तो अभी हम ये फॉर्मूला यूज़ करें, दैट इज़ 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c. सो आफ्टर यूजिंग द फॉर्मूला वी गेट दैट इज़ माइनस 1 अपॉन 2 रूट 11 log t माइनस 2 माइनस रूट 11 एंड t माइनस 2 प्लस रूट 11 प्लस c. एंड आफ्टर दैट जस्ट वी गोइंग टू ओपन दिस ब्रैकेट, ये पार्ट तो ऐसे ही रहेगा. सो tan x वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ t दैट इज tan x माइनस 2 एंड दिस विल बिकम माइनस 11 रूट 11 एंड अपॉन टी माइनस 2 दैट इज tan x माइनस 2 प्लस रूट 11. अगर इसमें से हम माइनस साइन निकाल बाहर निकाल लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है. आप यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे तो भी चल सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल नंबर 7 एंड द लास्ट टू एग्जाम्पल्स विच आर ऑफ सेम टाइप, सेम पैटर्न है वहाँ पे. तो ये दो एग्जाम्पल जो है वो आप सेल्फ स्टडी के लिए लेंगे. सो ये दो एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करना है, एग्जाम्पल नंबर 8 एंड 9.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 3.2 भी यहाँ पे ख़त्म होता है. इन नेक्स्ट लेक्चर वी गोइंग टू सी द न्यू कॉन्सेप्ट. थैंक यू.